सुप्रभात बच्चों, आज हम हिंदी विषय में उपविषय पढ़ेंगे संज्ञा। संज्ञा की परिभाषा क्या होती है वो मैं अब आपको बताने जा रही हूँ। संज्ञा किसी किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे जैसे बच्चों, आपकी क्लास में बहुत सारे बच्चे पढ़ते होंगे और हर बच्चे का अलग अलग नाम होता है, ठीक है? किसी का नाम राम, किसी का नाम स्नेहा, किसी का नाम अर्नव। तो ये जो नाम, जो जितने भी नाम हैं हमारे, वो क्या कहलाते हैं? संज्ञा। तो नाम में जैसे हो गया आपका, जैसे आपकी कक्षा में कोई बच्चा है जिसका नाम है राम, राम क्या है? संज्ञा, ठीक है। फिर आपका स्कूल किस जगह पर है, उस जगह का क्या नाम है, तो वो भी क्या है? मान लो आपका स्कूल बालकृपी है, बालकृपी जगह में है, तो बालकृपी क्या है? संज्ञा। ये जगह का नाम है और जगह का नाम भी क्या कहलाता है? संज्ञा। फिर यदि आप गुड़ खाते हैं या चीनी खाते हैं, तो चीनी का स्वाद कैसा होता है? मीठा होता है, और मीठा क्या है? वो भी इसका एक है संज्ञा। तो मीठा, मिठास, मिठास। या फिर आपका जो करेला होता है, आप उसे खाते हैं, तो उसकी उसका जो स्वाद होता है वो कैसा होता है? कड़वा। तो कड़वाहट भी क्या है? संज्ञा है। कड़वाहट आदि संज्ञा के उदाहरण हैं, ठीक है। अब बच्चों हम इसके भेद पढ़ेंगे, संज्ञा के भेद पढ़ेंगे। संज्ञा के पांच भेद होते हैं। पहला, आपका पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा दूसरा जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है आपका भाव वाचक संज्ञा।
चौथा है आपका समूहवाचक संज्ञा, पांचवा आपका गया द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, ओ माफ कीजिए यहाँ पे बड़े ओ की मात्रा होगी, समूहवाचक संज्ञा। ठीक है तो बच्चों यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, और जो इनके आगे भेदों को हम अगले वीडियो में समझेंगे। धन्यवाद।